नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेरी मर्जी। और पीछे मेरा ट्रेन जा रही है। तो इतना सुंदर सा दृश्य मुझे देखने को मिल रहा है। और आज है 12 अक्टूबर 2022 है आज। और मैंने क्यों ब्लॉग नहीं दे पाया, क्या हुआ था, क्या रीज़न हुआ था, मतलब सब कुछ मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। बट बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं आज का दिनचर्या कैसे जाता है। तो भगवान का नाम लेते हुए शुरू करते हैं आज का दिन। ये देखो पूरा ट्रेन जा रहा है, मालगाड़ी है ये। और ऊपर का ये नज़ारा देखो, उफ क्या नज़ारा लग रहा है ना। मेरे फ़ोन में उतना आ रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया नज़ारा है दोस्तों। देखो बारिश स्टार्ट हो गया, कुछ ही दिन में देखा था कि आप लोग मतलब बारिश होने वाली है, तो बारिश स्टार्ट हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोगों ने अब इस बार गर्मी फेस किया है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ऊपर देखो एकदम ये वाला एरिया देखो आप लोग, कितना सुंदर लग रहा है, बाप रे बाप। ये देखो तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं आटा नूडल बना रही हूँ, देख सकते हो। और ये अकेले मेरे नहीं, और दो जन खाएंगे। आप लोग सोचोगे नहीं तो इतना सारा मैं खाऊंगी, बिल्कुल नहीं। और बाहर देखो सुंदर सा नज़ारा देखते हुए मैं मैगी बना रही हूँ। और यहाँ पे मछली हो रही है टकी माछ, शोल माछ। तो ये शोल माछ है, आप लोग देख सकते हो। ये देखो सो यहाँ पे माँ फिश, और यहाँ पे क्या है ये आटा नूडल्स है। सो फिलहाल ये आटा नूडल्स लेके बैठे हुए हैं, खाएंगे अभी। और दीदी हाँ, सो क्या हुआ क्या नहीं हुआ बाद में बोलेंगे, अभी हाय बोल दो। सब लोग सही रहना बोल दो, गैस का मेडिसिन खाना, सब लोग नहीं खा के पूजा मत करना, सब कुछ बोल दे अभी। तो क्या हुआ तो सब कुछ बोलेंगे फिलहाल, बाद में बताऊंगी। सोमा बहुत केयर ले रही है सब लोग केयर ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ले रही हूँ, सब लोग केयर ले रहे हैं। तबीयत बहुत खराब हो गया था, ऐसा हालत हो गया था कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने का सिचुएशन हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा ठीक हूँ। शोमा तो पूरा खाना पकाना सारा, क्या जो खाना खिलाया उसको भगवान जाने। एनीवेज इसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं मैगी एंजॉय करती हूँ, ठीक है? तुम देखते रहो, मैं मैगी एंजॉय करती हूँ। सो अभी मैं खाना खाने वाली हूँ, और दीदी भी खाना खाने वाली है मेरे साथ। और तीन बज चुका है अभी, तो खा के मैं निकलने वाली हूँ अभी, और फिर इसके बाद जुड़ती हूँ आप लोगों के साथ। और फिर मैं बोलूँगी क्या ये दो दिन क्या हुआ था, कैसे गया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो चीज़। क्योंकि बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे व्हाट्सएप में, जो लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर जानते हैं, तो सबका आंसर आज मिल जाएगा आप लोगों को। तो दोस्तों मैं ऑफिस से आने के बाद ही मैंने चाय बैठा दिया था, और ये मैंने लेके आई हूँ। मैं माँ और बाबा अभी चाय पियेंगे, मैंने मैगी ले लिया है, और बाबा और माँ के लिए ये। और अभी बज रहे हैं 9:15, और फिलहाल अभी खाऊंगी। दोस्तों अभी मैं बताऊंगी कि क्यों मैं ब्लॉग नहीं दे पाई थी, बट इसका कुछ जेन्युइन रीज़न था, इसलिए मैं नहीं दे पाई। लक्ष्मी पूजा के बाद मैं नहीं दे पाई व्लॉग, बिकॉज लक्ष्मी पूजा के पूजा में दिया व्लॉग। नेक्स्ट डे टायर्ड थी, देन मैं रात को, देन नेक्स्ट डे ऑफिस करके मंडे था, हाँ यस ऑफिस करके मैं घर आई। घर आके तो मेरे लेग पे बहुत ज़्यादा पेन था, तो फिर गर्म पानी करके मैं वो गर्म पानी का वो दे रही थी, ठीक है? वो हॉट वाटर बैग में भी पानी लेके मैं बैठ के ऐसे करके दे रही थी, शेक दे रही थी। देन सडनली 10 बजे मुझे कॉल आता है दीदी के घर से, दीदी का हालत बहुत ख़राब है, जल्दी आओ।
तो मैं मुझे कुछ सूझा नहीं तब, तो मैं हाफ पैंट पहनी, पहनने के बाद मैं स्कूटी लेके दौड़ी दीदी के घर। फिर उसका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था, जो ऊपर था 60 समथिंग था और नीचे का 56 था। इतना ज़्यादा मतलब वो सिचुएशन, वो टॉयलेट में भी थी बट पूरा बॉडी उसने छोड़ दिया था और पूरा मतलब पूरा वेट जीजू के मतलब हाथ में था। तो उस सिचुएशन में बाथरूम में ऐसे मतलब उठ भी नहीं पाई, ऐसे खींच के दीदी को किसी भी तरह बेड पे लेके आई थी। तो प्रेशर इतना ज़्यादा लो हो गया था कि दीदी का दांत पूरा लग गया था और रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी, थोड़ा सा पेंट हो गई थी। तो इस दौरान मैं दीदी के पास थी और इसलिए मैं व्लॉग नहीं दे पाई, ये है रीज़न। तो दैट्स व्हाई मैं व्लॉग नहीं बना, मन ठीक नहीं था तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं दिया, दीदी के पास था। और आज मैं घर आई हूँ और आज से व्लॉग स्टार्ट होगा, तो ये रीज़न था इसलिए मैंने व्लॉग नहीं दिया। और मेरा लेग का पेन अभी थोड़ा सा बेटर है, जैसे कि आप लोग मेरा फेस देख के भी थोड़ा पता चल लग रहा है, पेन है, माइल्ड है बट ठीक है, अभी चल तो रहा है, ठीक है, उतना नहीं है बट दो दिन बहुत ज़्यादा पेन था, मतलब एक्सट्रीम लेवल का पेन था, कैसे हुआ पता नहीं। एंड जिन्होंने मेरा खबर लिया है सबको थैंक यू सो मच। विश्वजीत दा ने फ़ोन किया था, फिर लतीफ़ा दीदी ने मैसेज किया था, कमेंट किया था, घर के लोग तो खबर लेते हैं, फिर दोस्त लोग भी मेरे को मैसेज किया था, सो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और केयर देने के लिए। एंड ब्लॉग जाएगा आज से, एंड होप सो अभी थोड़ा सा प्रे कीजिएगा, सब थोड़ा सा ठीक ठाक रहे, दीदी भी धीरे 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 रिकवर कर रही है और पूरा रिकवर हो जाए। और ये बीपी चीज़ ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैंने मतलब कैसे जो रात के 10 बजे मतलब वो रास्ता जो लग रहा था इतना लंबा रास्ता लग रहा था कि मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा है ऐसा फील हो रहा था तब। तो अभी सोच रही हूँ कि अभी ब्लॉग मैं दूंगी, कल भी आपको मिल जाएगा डेली ब्लॉग। एंड आज का नॉर्मली ब्लॉग था, ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा माइंड भी ठीक नहीं है, तो कल आपको आप लोगों को अच्छा खासा ब्लॉग मिल जाएगा। एंड ये ब्लॉग मैं अभी डालने वाली हूँ यूट्यूब में। सो आज का ब्लॉग मैं ये पे एंड करती हूँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, आप लोग इतना बिलीव करके हो मेरे साथ, वही मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। एक मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा फैमिली एक हो चुका है, आप लोग हो चुके हो, और थैंक यू सो मच। खुश रहिए, खुशियाँ बांटे, टेक केयर, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, दूसरों का भी हेल्थ का ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, ठीक है। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।